नमस्कार, आप देख रहे हैं मर्दर बुलेटिन। राजस्थान के अंदर 6 जिलों में पंचायत राज की चुनाव की घोषणा होने के बाद में सभी उम्मीदवार जो इस समय आज हालांकि तीसरे चरण का चुनाव जो होने जा रहा है 1 सितंबर आज, और बाकी 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उत्सुकता जो है वो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कर रही है तो वो सरपंचों को कर रही है। क्योंकि जब से सरपंच बने हैं तब से किसी का 1 साल का टाइम हो गया तो किसी का 10 महीनों का टाइम हो गया, लेकिन पंचायतों के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बिना प्रधान और बिना प्रमुख के पंचायतों के जो हाल है वो बहुत बुरे हैं, कोई बजट नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम आयदान का वास ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं और हमारे साथ युवा सरपंच यतीश कुमार जी वर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने काम करवाया है और क्या क्या जनता से इन्होंने वादे किए हैं। सरपंच साहब, स्वागत है चैनल में। धन्यवाद सर। नमस्कार। मैंने अभी काम करवाए है गांव में, सीसी ब्लॉक की रोड बनवाई है और स्कूल में ब्लॉक लगवाए हैं, सीसी ब्लॉक, और उप स्वास्थ्य का काम किया है, वो चल रहा है अभी, उसकी कुछ काम बाकी है, बाकी चल भी रहा है, और जहां तक कोशिश है कि वहां जल्दी किसी डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी। और गांव में नालियों का काम भी ये आचार संहिता की वजह से अटका हुआ था, अब आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगी नालियों का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और पानी के लिए भी हमारे गाँव के लिए कटारे जी ने 1,36,00,000 रुपए सिंचन मंजूर कर दिए हैं, वो भी जल्दी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। नई टंकी बनेगी, पंप हाउस है, 15 किलोमीटर की लाइनें भी है, काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। और अब उम्मीद है कि जब जैसे ये प्रधान की बैठ जाएंगे और ये पंचायत समिति का कार्य सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, उसके बाद कार्य को और गति मिलेगी और अच्छा कार्य होगा। वर्मा जी, कोरोना की भेंट आप सरपंचों का ये जो 10 महीने का कार्यकाल चढ़ा, कहीं ना कहीं इसने आपके कार्यकाल को प्रभावित किया है, क्योंकि आम जनता इसमें बिल्कुल पिछले 2 सालों से जूझ रही है। क्या लगता है प्रधान और प्रमुख बनने के बाद में ये जो पीड़ा है वो दूर होगी? सर, उम्मीद पूरी है, और अभी कोरोना आज बिल्कुल 0 है ना, और अभी शायद ठीक चल जाएगा। अब थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, अभी जो स्थितियाँ ख़राब हुई थी उनको संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लास्ट बहुत जल्दी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी और अच्छा कार्य होगा, कांग्रेस के राज में बढ़िया कार्य होगा। और हमें कटारे जी से अच्छी उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र को अच्छा बजट भी देंगे और अच्छे कार्य के लिए गति भी देंगे। सरपंच साहब, अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें जैसे सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, आप सरपंच बने हो अभी तो कैसा स्तर है इसका, किस प्रकार की व्यवस्था है? कुछ सड़कों की भी कमी है जिसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे और बनाएंगे, सरकार के सहयोग से बनेगी। और पानी के लिए आपको मैंने बताया है कि जहाँ तक है उम्मीद 1.5 साल के अंदर अंदर पानी की समस्या काफ़ी हल हो जाएगी, और भविष्य में ये मानो कि पानी की समस्या तो ख़त्म होगी। रोड लाइटें वगैरह का भी हमारा प्लान है, जल्दी हम रोड लाइटें भी लगाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए जो प्रोसेस है उससे प्रोसेस के द्वारा हम लाइटें लगाएंगे पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल सरपंच साहब, विकास की भी बात हो गई तो बात हम भ्रष्टाचार की भी करेंगे। कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही है कि जो विकास के थमने का मूल कारण यही माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा। आज जो है, आज प्रधान और प्रमुख नहीं बने हैं तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट लो भी जो प्रशासन है वो व्यवस्था चला रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई आपके सामने भी ऐसा मिट रहा है या फिर क्या कहें? नहीं सर, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नज़र नहीं आ रहा। नहीं, भ्रष्टाचार तो देखो एक सिस्टम में है मौजूद। अच्छा। वो तो बाकी निकल तो सकता नहीं है, बाकी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही कुछ समस्या है। तो सरपंच साहब, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आपने कोई प्रयास किए हैं? मतलब आपने कोई ऐसा प्रयास किया जिससे भ्रष्टाचार मतलब ना हो, ख़त्म हो? नहीं देखो सर, हमने तो कोई भ्रष्टाचार को कभी बढ़ावा दिया नहीं है। अच्छा। और ना देंगे, और ऐसी कोई है नहीं कि हमारे सामने तो कोई भ्रष्टाचार की बातें होती है या आता है, लेकिन हम लोग इससे दूर ही है। अच्छा। तो सरपंच साहब, अभी प्रधान और प्रमुख 4 तारीख के बाद में जो है आपके सामने आ जाएंगे, बन जाएंगे वो, उसके बाद में मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो विकास की धारा है जो वो बढ़ेगी, तो क्या संदेश देना चाहोगे आपकी जनता को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो अभी अपना कोरोना काल 1 साल से था और उसमें सारे विकास कार्य रुके हुए थे, गति कहीं थी नहीं, अब जैसे ही प्रधान चुनाव होंगे तो नए राशन कार्ड का भी कार्य होगा, कई लोग जो गेहूं से नहीं जुड़े हुए थे एनएफसी से वो भी जुड़ जाएंगे, और काफ़ी लोगों को समस्याएं हो रही थी जैसे प्रधान ही था,
वहाँ पे ये पंचायत समिति हमारी जोबनेर हो गई, तो हमें इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा कि हमारी पहले पंचायत समिति दूदू थी, अब ये नज़दीक होने से लोगों का समय पैसा सब बचेगा और आने वाले समय में कार्य प्रगति पकड़ लेगा। जैसे ही प्रधान जी बैठेंगे सारा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होगा, सब लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं है वो यहीं हल हो जाएगी। सरपंच साहब, तीन चुनाव आपने लड़े हैं, तीनों में ही जनता ने आपको जो है वो ताज सौंपा है, मुखिया बनाया है, आगे की क्या आपकी रहेगी तैयारी, आगे क्या भविष्य रहेगा राजनीति में? वो साहब जनता पे ही निर्भर है, पहले भी जनता पे था और आज भी जनता पे, अगर मैं अच्छा कार्य करूँगा तो जनता मुझे सपोर्ट करेगी, अगर मेरा कार्यकाल अच्छा नहीं रहेगा तो आप जानते हो कि आए यार गए सब। बिल्कुल सर, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ युवा सरपंच यतीश कुमार जी वर्मा। इनका कहना है कि प्रधान और जिला प्रमुख बनने के बाद में ही सही मायने में जो ग्राम पंचायतों का विकास होगा। आज तीसरा चरण चल रहा है, 4 तारीख के बाद में जो मुखिया बन जाएंगे उसके बाद में जनता को और सरपंचों को उम्मीद है कि विकास को गति मिलेगी। लगातार हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।